आज है कजन की शादी, तो पहले मूड था जाने का, फिर था नहीं जाने का, फिर था जाने का, फिर था नहीं जाने का, फिर मैंने सोचा कजन की शादी क्यों ना जाया जाए, इसमें जाना तो चाहिए, इन्विटेशन तो आया हुआ है। फिर मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं जिम से आई और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और देखा ये घर वालों को पीछे से इग्नोर कर, जहर रखते हैं मुझे आप, मैंने पहले भी बताया था मुझे जहर लगता है जब पीछे से कोई आता है, तकलीफ। खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं ये नहीं कहूँगी मैं थकी सो गई थी, मैं थकी बिल्कुल नहीं सोई थी, यही जो मनमूस है ना ये मुझे पास ले गई थी। तो खैर अब मैं करती हूँ अपनी तैयारियाँ और मुझे शूचे भी मैंने भी लुवानी है, तो मैं बाकी यहाँ बैठ गई हूँ और जहर लगती हूँ तुम्हारी मुझे हरकत, खबरदार आज पीछे मुझे आवाज़ थी पर आशी करने लगी अपनी। तो पहले तो मैं क्लींजर क्लूंदर फेशियल पूछो तो मैंने कोई नहीं किया हुआ, ज़रूरत भी नहीं है मुझे, मुँछे बारे में मुँछा ही ला दे, अपनी भी करवा लूँगी वही है, ये ना मैं बटे देती हूँ ऐसे करी सुबह, तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी, मेरे पर पानी है कुछ भी गिला, देख ली ऊपर तो मैं आ रही हूँ। ये कपड़े मैंने शादी में पहने अब्दुल्ला, और मेरे शादी वाले कपड़े पागल, इसको तो मैंने भी ब्रश भी नहीं खोलो। पकड़ लिया, देख ले मैंने कैमरे के साथ उसे पकड़ लिया, तू बता तूने इसमें इसमें मेरे साले कपड़े साले से मेरा कपड़ा खराब कर दिया गंदे। वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रही है? मैंने भी जाना है शादी पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाई के पास और कह रही थी नाई फड़ ब्लेड ते ला मेरे मुछा, नाई ने ब्लेड तो नहीं फड़िया, धागा फड़ के मारना शुरू करता मुछा ते। इत्थे मैं तैयारी कर दी सक क्लींजर दी, फड़िया बैंड कपड़े का फड़ के उन्हें सिर ते पाने की कोशिश भी कर रही, पर कोशिश मेरी होगी कामयाब। फिर मैं सोचा कि कन्न शन भी बाहर छड़ कड़ीए, कन्न भी चिट्टे चुट्टे करिए, तो हूँ दोबारा आने उर्दू ते। तो यहाँ पे मैंने क्लींजर को पकड़ा, अपने फेस पे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मैं देख रही थी आगे पीछे कस्टमर थे, तो मैंने कहा चले चले इग्नोर मारे इनको, और मैंने क्लींजर अपना स्टार्ट कर दिया। हाय अल्लाह, एडी सोनी कुड़ी, एडा सोना मुँह कितों आ गई है, अपनी तरफ में मैंने सोचा खुद ही कर लूँ, आप लोगों ने तो करनी नहीं, मैंने सोचा क्यों ना अपनी तरफ में खुद ही कर लूँ। और यहाँ पे मैं शोही मारने शुरू, पीछे साथ मेरे मैसेज आ गए टू 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 टू, खैर इग्नोर मारते हैं इनको भी, सबको इग्नोर मारे। हाय अल्लाह, पहली बार एडा सोना सूट पाया सी, तो सोचा क्यों ना सूट पा के शोही मुखी मारी जाए, ए सारे आ गए ने ब्रश घर फिर मूँह, ये देखिए मेरी स्किन ठीक है, बहुत ही बेबी स्किन है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इस पर कुछ भी नहीं करूँगी, बेस वगैरह कुछ भी लगाऊंगी, और जिनको बड़ी बड़ी गलत फैमिली होती है ना, मैं बेस लगाती हूँ, तो जब मैं बेस लगाती हूँ तो बताती हूँ, जब मैं नहीं लगाती तो मैं नहीं लगाती, ज़्यादातर मैं बेस करके बाद में आ पाओगे, आओ दिखाओ ये देखिए चलो, तो ज़्यादातर जो है मैं बेस नहीं लगाती, पर यह मैं मारूंगी, कभी कभी लगाती हूँ, तो जब भी लगाती हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ब्लश होना है, आप लोग देख सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है, ये देख रहे बस मैंने इसको क्लींजर किया था, वो आपने पीछे देखा ही होगा कि मैंने इसको क्लींजर किया था, और क्लींजर के बाद मेरी स्किन इतनी नीट हो जाती है कि मुझे बेस बूस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद भी लगाती कैजुअली, अगर बेस वगैरह नहीं लगाती, हाँ जैसे मेकअप ट्यूटोरियल देना हो तब लगाती हूँ, या फिर कोई शादी में मूड करे तो बटन, तो ये मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन, ब्लश ऑन थोड़ा सा डार्क टाइप नहीं, हाँ क्यों है, और इसी को पकड़ के मैं इसको लगाऊंगी ऐसे, ठीक है, और ये आंखों पे हाइलाइटर शेल्टर लग गया, और अपनी मैं आईब्रो थोड़ा सा जो है वो शेप दूंगी, क्योंकि मैंने नहीं की हुई, अब है सुर्खी की, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं लग रही हूँ बहुत ही खूबसूरत 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 खूबसूरत, तो ये रहा मेरा टोटल मेकअप और ड्रेसिंग, मैं तैयार होकर वेट कर रही हूँ अपनी बारी का, और कि मुझे कब कोई लेने आए और मुझे कब कोई छोड़ आए, ये टिंगू ये सबसे आसान तरीका, अगर आपको कोई स्प्रे ना मिले कोई कुछ ना मिले ये हम आ चुके हैं शादी हॉल पे, पहुंच गई हूँ मैं और ये सामने नमूना, नमूने अपनी फुल लुक दिखा, घूम
फटे मुँह हाथ ही जगह हाथ बड़े सोने हैं और इसके हाथ पैरों हाथों से भी सोने हैं। शोर बहुत ज्यादा है। मरियम का मुंडा फटे मुँह। मैं कपड़े सिले करने के लिए खड़ी हूँ, मेरा ये दुपट्टा फट गया। चलो हो गया। और पीछे से थप्पड़ मार। बहुत ही ओवर एक्टिंग नहीं ये काट रही थी। तो मैं सोची दुपट्टे को कुछ किया जाए। दुपट्टे को वैसे कुछ और नीचे और के बालों में बांध दिया नहीं दुपट्टे को दिखाते हैं शादी पे जो होती है बच्चों की रौनकें। बच्चों के हमारे चंद अधे बच्चे मिल गए और चंद अद्दद हमारे बच्चे जो है ना अद्धे पद्धे वो नहीं लग रहे। वो गवाच गए। एक तुम सभी कपड़े क्यों खींचती है तू? मैं ऐसे करके खड़ी छोड़ पीछे छी आई है अभी एज यूजुअल जो ये लालटेन है ना ये आयशा ने अपने घर में लगानी है। मैं चपेट में इसकी बात नहीं, मैं इसीलिए बच्चों को लेके आने में ना वो नहीं होती ये काम सर ना मार देती है। क्या क्या फेवरेट लिपस्टिक लगा दो से क्योंकि जब बच्चे साथ आते हैं ना इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉश मिल रही हो और ना ये काम होते हैं महत की जब हमारी महत आती है उसी के साथ बच्चे आते हैं। मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखती। नहीं ये अम्मी लेके आई है अम्मी को दो। और मुझे इस साइड से गला इतना तंग कर रहा है ऊपर कि मुझे मजबूरी यहाँ पे पिन लगानी पड़ी है। पता नहीं क्यों पहले मैंने पहना था कुछ तो अब मैं पहना इसको इतना मुझे तंग कर रही है इरिटेट कर रहा है मुझे गला। ठीक है बहुत हो गया टाइम पास जाओ पढ़ाओ ना करो। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी डिस्को है और उसमें कभी नीला कभी पीला कभी लाल और कभी ऑरेंज ऑरेंज जिसकी वजह से मेरी कोई भी वीडियो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बन रही। कोई बात नहीं हम आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये मुझे एक हमने पक्का नहीं किया होगा कुर्सी पर ही बैठ के जो करना हो वहाँ पर भी सारी जगह पर ऐसी लाइटें हैं। देखो मैं भी ड्रामे ना मानो हमारे घर के जानवर सुकून से बैठे हुए। मेरी सुरभि जब लाती है और मेरी सुरभि देखती है ये सुरभि भाई है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट और पसंदीदा सुरभि है इसलिए खत्म हो चुकी है फिर मैं इसको रखती हूँ मेरे पास। तो हाल कुछ यूँ है कि शादी पे लाइट आ गई वो जो मुहावरा है ना उसका ही पूरा क्योंकि इसका नाम भी अब्दुल्ला है। अच्छा तो इसका नाम भी अब्दुल्ला है मुहावरा अब्दुल्ला दीवाना बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। खाने पे कैसे टूटी हुई है तो ये मैंने अपनी प्लेट जब तैयार कर ली है। इधर तो आओ आओ हाँ मेरा बेटा इधर तो आ।